अगर आपको लापरवाही का अंजाम देखना है तो जरा कभी हमीरपुर आइए। यहाँ पर करोड़ों की लागत से बना सिंथेटिक ट्रैक बदहाल अवस्था में है। इस सिंथेटिक ट्रैक के चारों ओर झाड़ियाँ उग चुकी हैं। हाल ये है कि विभाग इस सिंथेटिक ट्रैक की सफाई कराने की जहमत अभी तक नहीं उठा पाया है। सिंथेटिक ट्रैक के किनारे उगी झाड़ियों में जीव जंतुओं के वास का खतरा बना हुआ है। हालात ये हैं कि सिंथेटिक ट्रैक की उद्घाटन पट्टिका भी बुरी तरह से झाड़ियों से ढक चुकी है। प्रदेश में दो सिंथेटिक ट्रैक बने हैं, इनमें एक धर्मशाला तो दूसरा हमीरपुर में है, लेकिन कोरोना काल के दौरान ये खेल गतिविधियों को रोकने के लिए बिल्कुल बंद रहे, जिसके कारण सिंथेटिक ट्रैक की हालत खराब हो गई है। इस सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास वर्ष 2009 में पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने किया था और वर्ष 2012 में ये बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पे 6-7 महीने से जैसे बंद था कोरोना काल के चलते, यहाँ पे सारी तरफ घास वगैरह सब कुछ, इस ग्राउंड की कोई देखभाल नहीं करता है और हम यहाँ पे आते हैं, बच्चे बहुत सारे बच्चे आते हैं दौड़ने के लिए। क्या मांग रही है सरकार से? सरकार से ही मांग है कि इस ग्राउंड की सिंथेटिक ट्रैक की देखभाल की जाए ढंग से और ये घास वगैरह काट दिया जाए। खिलाड़ियों ने खेल विभाग और जिला प्रशासन से सिंथेटिक ट्रैक की सफाई करने की मांग की है ताकि वे यहाँ अपनी खेल संबंधी गतिविधियाँ जारी कर सकें। सर, पहले जब हम ट्रैक में प्रैक्टिस करते थे तो बाहर की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, इस बार झाड़ियों झुड़ियों की वजह से यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम। कई बार ऐसा होता है कि सांप वगैरह या कुछ भी चीज़ आके काट ले हमें तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सरकार ने इतना पैसा ग्राउंड के लिए लगाया है तो इसकी सफाई होनी चाहिए, अच्छे से घास वगैरह कटा होना चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिला खेल एवं युवा सेवाएं अधिकारी रविशंकर का कहना है कि कोरोना संकट के चलते सिंथेटिक ट्रैक को बंद किया गया था, ट्रैक की हालत को जल्द सुधारा जाएगा ताकि खिलाड़ियों को सुविधा मिल सके। जैसे कि विदित है कि कोविड के बाद अब हमारे जो प्रशिक्षण है हमारे प्रशिक्षक के द्वारा दिया जाएगा, तो उसके चलते निदेशालय से निर्देश है कि जो वहाँ पे प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए आएंगे वो अपने साफ सफाई का, सैनिटाइज का, सैनिटाइजर का और अपने कपड़ों का और अपने वेशभूषा का और अपने आप सतर्कता रखें ताकि कोई भी ऐसी कोई घटना ना हो जो खेलों के लिए या फिर हमारे विभाग के लिए या फिर विद्यार्थियों के लिए जो खतरनाक हो। तो जो ग्राउंड आए बच्चे वो अपना ध्यान रखें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, अच्छे कपड़े पहने, उसमें अपने प्रशिक्षण के बाद उनको बदलें। तो ये अगर सतर्कता अगर बच्चों के द्वारा रखी जाएगी तो अच्छे प्रदर्शन बच्चों के द्वारा भविष्य में किए जाएंगे। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।